खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। एक बड़ी खबर, तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने एक अपील की है, कहा कि रमजान में घरों में रहकर ही इबादत करें। तो चलिए, कम से कम मौलाना साद ने अब एक बड़ी पहल तो की, यहाँ पर लोगों से घरों में ही इबादत करने की अपील की है तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने। और आपको याद दिला दें कि मौलाना साद, जिनके कहने पर ही तबलीगी जमात के इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं मरकज में, और उसके बाद ये सभी वहां से जब जाते हैं तो अलग अलग जगह पर कई सारे केसेस फेस होते हैं। अब फिलहाल एक बड़ी खबर ये आ रही है, मौलाना साद ने अपील की है कि रमजान में घरों में रहकर ही इबादत करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके, ताकि कोरोना की ये जो लड़ाई है उसे जीता जाए। तो एक तरफ मौलाना साद के खिलाफ कई सारे केसेस, ईडी ने भी मामला दर्ज किया है, तो दूसरी तरफ अब मौलाना साद के सुर बदले हुए दिखाई देते हैं। मौलाना साद ने अपील की है कि रमजान में घरों में ही रहकर इबादत की जाए। हालांकि पहले जो एक गाइडलाइन थी सोशल डिस्टेंसिंग की, जो शुरुआत से ही यहां पर बात कही जा रही थी, कोरोना के फर्स्ट केस के साथ ही उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी मरकज में, तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के कहने पर वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग का पैगाम मौलाना साद की तरफ से ही दिया जा रहा है और रमजान में घरों में ही रहकर इबादत करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए अपील की गई है मौलाना साद की तरफ से। तो एक तरफ लगातार रिसर्च हो रही है कि कैसे इस वायरस से मुक्ति पाई जाए, लगातार कोशिशें हो रही हैं सरकार की तरफ से, और ये लॉकडाउन 2 जिसे मॉडिफाइड लॉकडाउन कहा गया है वो भी जारी है, और इन सब के बीच में लगातार अपील का सिलसिला भी जारी है। वह चिकित्सा मंत्री